मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम सभी पाठ 7 बढ़े चलो पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी अपनी किताब खोल लें, पेज नंबर 46, और सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। सबकी उंगली किताब पर हो और बोलेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, ध्वजा कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दाढ़ हो, तुम निडर हटो नहीं तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो संग हो ना साथ हो, प्रात हो कि रात हो संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कविता है ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है। इसमें ये कहते हैं कि मनुष्य को रास्ते में आने वाली बाधाओं से परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, उसे साहस और वीरता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कहते वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अर्थात मेरे बच्चों मेरे विद्यार्थियों, तुम लोग क्या हो, बहुत बहादुर हो, बहुत धीरज रखने वाले हो, तो मेरे लाडलों बढ़ते रहो। हाथ में ध्वजा रहे, ध्वजा माने होता है झंडा, कि हाथ में तुम झंडा लिए रहो। झंडा किसका है, भारत देश का झंडा है, भारत माता का झंडा है। और बाल दल सजा रहे, जो ये बच्चों की टोली है, जो बच्चों का ग्रुप है, समूह है, आप सब पूरे बच्चे, इनका दल हमेशा सजा रहे, अर्थात सारे बच्चे हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। ध्वजा कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं, हमारा राष्ट्रीय झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए, हमें इसका मान सम्मान बनाए रखना है, और दल कभी रुके नहीं अर्थात हम हार ना माने, हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अर्थात हे मेरे बहादुर विद्यार्थियों, आप सब लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें। हे मेरे धीरज को धारण करने वाले नौनिहालों, आप सब लोग निरंतर आगे की ओर प्रस्थान करते रहें, अर्थात मुसीबतों को पार करते हुए साहस के साथ अपना कदम बढ़ाते रहो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, अर्थात सामने चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी मुसीबतें आए, तुम निडर हटो नहीं, तुम बिना डरे वहां पर खड़े रहो, हटो नहीं वहां से, तुम निडर डटो वहीं, अर्थात जमकर उन परेशानियों का सामना करो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, मेघ माने होता है बेटा बादल, चाहे बादल गरज रहे हों या पानी बरस रहा हो, बिजलियां कड़क उठे बिजलियां तड़प उठे, अर्थात बिजलियां जब बादल पानी बरसता है तो क्या होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो कहते चाहे बिजली चमके चाहे बादल गरजे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो संग हो ना साथ हो, रात माने होता सवेरा, चाहे सवेरा हो या रात हो, किसी का साथ मिले या किसी के साथ ना मिले, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, जैसे आसमान में सूर्य निरंतर चलता रहता है, किसी प्रतीक्षा नहीं करता है, चंद्रमा निरंतर चलता रहता है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता, उसी तरह आप लोग भी बिना हिम्मत हारे निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहो, अर्थात रास्ते में आने वाली बाधाओं से परेशानियों से आप लोग घबराओ नहीं, और उसे साहस और वीरता के साथ अपने पथ पर आगे ही बढ़ते रहो।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस कविता को याद करना है और इसके अलावा आप कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। साथ ही बच्चे, ये जो चित्र बना हुआ है झंडा, है ना, जो आप आसानी से बना सकते हैं, आप झंडा बनाएंगे और साथ में एक कोई बच्चा बनाएंगे या पूरी सीन बना सकते हैं तो पूरा चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद आप लोगों को इस कविता को लिखना है और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को कल कराऊँगी। सबका दिन मंगलमय हो।